अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं घर से बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ, तो चले चलते हैं बाज़ार की तरफ। तो दोस्तों, मैं घर से बाज़ार की तरफ जा रहा था, रास्ते में कब्रिस्तान आया है, तो चले आपको दिखाता हूँ कब्रिस्तान। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये आप देख सकते हैं रास्ते में कब्रिस्तान आया है, ये देखें। तो आप सब जो है ना कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ पढ़ लें, अल्लाह पाक इनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। तो चले चलते हैं बाज़ार की तरफ, थोड़ा सा ही दूर रहा है यहाँ से बाज़ार। सो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं बाज़ार में पहुँच गया। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रश है बाज़ार में, बहुत बड़ा ट्रैफिक है इधर। तो साथ में बारिश भी उतर रही है थोड़ी बहुत, अल्लाह ताला की नियामत भी बरस रही है। तो बहुत ज़्यादा इधर सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी आपको बाज़ार का व्यू करवाता हूँ। साथ में ये एक इधर जो है ना, साथ में ये माल्टे वाले भई हैं, इनसे थोड़ा बहुत कुछ पूछते हैं। तो आइए, दर्जन कैसे है ये तो मुझे पता, उन्हें जोड़ के लगाया हुआ 100 रुपये दर्जन है, थैंक यू। तो चले आपको ले चलते हैं ये सामने पर मंडी। सो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इधर। तो चले आपको आज एक अस्सलाम वालेकुम, ठीक है भाई, कौन सा कैसा जा रहा है? काम नहीं है यार, बर्फबारी, बारिश है, सर्दी है, कोई आ नहीं रहा, बैंक भाई नहीं है, क्या करें, काम नहीं है, काम बहुत खराब हो गई, लेकिन सब चीज़ें महंगी हो गई, क्या बेचे थे, सर्दी बारिश लगी है, बहुत सर्दी। ये भाई क्या थोड़ा बहुत काम लूज हो रहा है? तो ये टमाटर 130-150 दो किलो, ये कितने 100 रुपये दर्जन, ये 150 रुपये दर्जन, 300, 200, 150। तो ये कैसे लगाया? मटर 200, ये मौसम्बी 100 रुपये दर्जन, मौसम्बी 100 रुपये दर्जन, अमरूद 150 रुपये दर्जन किलो, ये 200 रुपये, ये 200 रुपये, ये 200, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं भाई, ये बहुत बुरे हालात चल रहे हैं मंडी के। ये भाई बोल रहे हैं कि हमने लंडा लगाया था, तो पता नहीं कुछ प्रोग्राम बढ़ गया, लंडा आज नहीं चल रहा, वो बारिश है साथ में, बर्फबारी है, कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ताला की नियामत तो बरस रही है ना, इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि ऊपर का प्रोग्राम। टमाटर 130 रुपये किलो है, तो 2 किलो का ऑफर 250 के 2 किलो है। तो गाजर जो है ना 80 रुपये किलो है, 150 की 2 किलो है। कड़म पालक धनिया सोया मेथी जो है वो 100 के, बताना अनार, बताना अनार आया, बताना अनार, ये देखिए भाई अनार है, शरबत मीठा खुद 380 रुपये किलो पड़ा है और 300 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं जी भाई, क्योंकि प्रोग्राम नहीं है, बढ़ गया भाई, कह रहे हैं कि हमारा जो ना भाई, कह रहे हैं कि हमारा जो कारोबार है अभी लूज जा रहा है, कोई मंडी में नहीं आ रहा है, हम जो मॉल भी जो है ना वो बहुत सस्ते दाम में फरोख्त कर, 250 रुपये किलो ईरानी सेब 250 रुपये किलो दे रहे हैं, फिर भी नहीं मंडी में कोई आ रहा है। तो इंशाल्लाह ईरान के गड़गड़े हैं, ये वाला ये ईरान का गड़गड़ है, ईरान में आता है माशाल्लाह जी, ये ईरान का गड़गड़ है जी। आप देख सकते हैं इन भाइयों का काम जो है ना लूज जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि हेल्प करें, आए इधर मंडी में, आप मंडी का व्यू करें, सस्ता माल मिलेगा, सस्ता नहीं मिल रहा है, पीछे से माल बहुत महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है, लेकिन आगे ये भाई ये प्रोग्राम बढ़ गया, ये वाला बहुत सिगरा बहुत बहुत चल रहा है। तो आप देख सकते हैं भाई, इन मंडी वालों के हालात बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लंडा फरोख्त किया जाता था, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मंडी में आया हुआ हूँ, यहाँ सब भाई देख सकते हैं आप, ये सब मंडी बंद है, आज बारिश है, अल्लाह ताला की नियामत बरस रही है, कोई मसला नहीं। ये सब पठान जो है ना पाकिस्तान से आते हैं और इधर जाके इधर आके जो है ना माल फरोख्त करते हैं, ये आप देख सकते हैं भाई। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये लंडे का सिस्टम जो है ना, ये कैसा, मतलब कारोबार लंडे का कैसा जा रहा है? अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अच्छा कारोबार था, लेकिन इस मरतबा जो ना प्रोग्राम बढ़ गया हुआ है, ये हमारे अड्डे हैं, ये मेरा अड्डा, 1, 2, 3 अड्डे लगे हुए हैं, 3 अड्डे भाई के लगे हुए हैं, ये बंद तो है, ये आज बंद है, आज हमने उधर सब्जी फ्रूट लगाया हुआ है जी, क्योंकि दिहाड़ी तो नहीं जाया कर सकते, जो खर्चा पर्चा निजाम चलते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है, माल अच्छा नहीं मिल रहा है जी। तो ये इसलिए सब भाइयों ने आज बंद किया हुआ है, बिल्कुल रावला कोट में कोई आ ही नहीं रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मौसम जब साफ होगा तो इंशाल्लाह प्रोग्राम सही चलेगा, ठीक है भाई। तो आपका शुक्रिया, आपने जो टाइम निकाला इस मंडी में हमारे लिए आए, बहुत 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 मशकूक है, इंशाल्लाह आप आया। पूरी मंडी जो है ना इस वक्त ऑफ है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें तमाम भाइयों का जो है ना कारोबार जो है ना वो फ्लॉप हो गया, वह लूज हो गया। गुफ्तगू तो इन सब से कर ली है, इसके बाद जो है ना मुझे भूख बहुत लगी है, तो चले किसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं। अच्छा,
सो फाइनली दोस्तों मुझे भूख लगी थी, तो रेस्टोरेंट पे हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट का नाम सुल्तानिया बारबेक्यू एंड पिज़्ज़ा हट। तो चले चलते हैं रेस्टोरेंट, तो चलते हैं रेस्टोरेंट के किचन में, आए आपको किचन में उस्ताद से मिलवाते हैं। ये है इधर इस रेस्टोरेंट के उस्ताद, तो इंसान की मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है सर, खैरियत है और सेहत वगैरह ठीक है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आप ये क्या करते हैं? ये हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, बना रहे हैं। इधर बारबेक्यू है, ठीक है, उस साइड पे फास्ट फूड है। ये पिज़्ज़ा, पिज़्ज़े की मशीन है। ये यहाँ पे हमारे बड़े इंचार्ज जो मैनेजमेंट है वो हमारे यासर साहब के पास है। ये सुल्तानिया रेस्टोरेंट है, सुल्तानिया रेस्टोरेंट नागपुर बट शहर चौक के सामने है। ठीक ठीक है, यहाँ पे लोग बहुत ही पसंद करते हैं, खास करके पिज़्ज़ा बहुत लोग पसंद करते हैं। टेस्ट के बारे में बताइए। टेस्ट मेरा लाजवाब है। ये देख सकते हैं आप, ये बारबेक्यू, ये कढ़ाई सब लगा हुआ है। ये देखें, ये भट्टी पे कुछ तैयार हो रहा है, चिकन बोटी और फिर चिकन टिक्का वगैरह। तो रेस्टोरेंट पे हम आए थे तो इधर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है। ये एक भाई ने इधर रेड़ी लगाई हुई है, वो खुद इधर है ही नहीं, क्योंकि कश्मीर की धरती पर ये बहुत टाइम बाद बारिश आई है। आप देख सकते हैं, अब आपकी जो है ना मुलाकात करवाते हैं जो इस रेस्टोरेंट पे जो है ना रोल पराठा शेफ है ना, तो उनसे आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सुनाएं, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फैसल है। फैसल हसन जी, माशाल्लाह प्यारा नाम है। तो आप ये इस रेस्टोरेंट पे रोल पराठा शेफ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोल पराठा बनाते हैं, शर्मा बनाते हैं, अपने टेस्ट के बारे में बताइएगा, टेस्ट कैसा होगा? माशाल्लाह। चलो मैं अभी अंदर जाके बैठता हूँ, एक ऑर्डर करता हूँ इनकी, जो सबसे बेस्ट डिश होगी, जो इनकी सबसे अच्छी डिश होगी वो ऑर्डर करता हूँ। तो चले, तो फाइनली दोस्तों अभी हम इनके हॉल के अंदर बैठने लगे हैं। चले चल के बैठते हैं हॉल के अंदर, थोड़ा सा हॉल है आए आपको, अंदर बैठते हैं हॉल में, तो देखते हैं अभी वेटर आएंगे उनसे पूछते हैं मेन्यू में क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं, आप बताएं जी मेन्यू में क्या क्या है? हमारे पास चिकन टिक्का होता है, रोल पराठा होता है, शवरमा, जिंगर, पिज़्ज़ा, बर्गर। अच्छा जी जी। तो बारबेक्यू वगैरह? बारबेक्यू टिक्का वगैरह होता है। मेरे लिए एक रोल पराठा करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक रोल पराठा ऑर्डर कर लिया है, तो अभी आते हैं कि रोल पराठा लेके आते हैं, तो मैं आपको फिर टेस्ट वगैरह सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।